Just come out with it, Udita. क्या बात है? What's wrong with you, man? अच्छा ये बताओ कल क्या हुआ था? See, I know कि वो बंटी, you really not upset about him. बात कुछ और है. अर्नव वहाँ क्यों आया था? Is it true that तुम अर्नव के साथ गई थी? Why are you crying? You have to tell us what happened, okay? Please. I feel horrible. I hate myself. Is everything okay? How can you do this, Udita? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? Have you gone mad? It's so disgusting. अब तक हम ये समझते थे कि तुम innocent हो और सारी दुनिया तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाती है। But you go ahead and do something that is so shameful, Udita. Udita, how could you do this, यार? I can't believe you have done this. और वो भी अनन्या के साथ, our friend. Disgusting, Udita. I'm sorry. Sorry? For what? I mean, you do this to your best friend, और वो भी उस वक्त when she's upset, वो अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी समेटने की कोशिश कर रही है, Udita. I know. और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस गिल्ट के साथ कैसे जीऊंगी। People take you for one night stand, Udita, और तुम्हारे अफेयर्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। You're not doing yourself a favor at all, Udita. But उनका तो ब्रेकअप हो चुका है। अब तो उनके बीच में कुछ है भी नहीं। What do you mean, huh? You're trying to find an excuse for whatever you have done? अरे उदिता, तुम्हारे इयररिंग कहाँ है? मेरी इयररिंग कान में? मैं इनकी बात कर रही पहले ही पता होना चाहिए था, पहले अर्णव और फिर तू। कोई डिफरेंस नहीं तुम दोनों में, बड़े शहर की चमक में पले, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लस्ट एंड करप्शन। गंदे लोग और गंदी सोच। निंदिया पानी रखा? I just hope खाना कम ना पड़े। तुम्हें याद है last time जब वो यहाँ आया था तो उसे क्या क्या पसंद आया? हाँ, coffee पे coffee order कर रहा था। I think coffee is his favorite dish। 8 dishes बनाई है मैंने। I just hope उसे खाना पसंद है। क्या बात कर रही हो मामा? क्यों? ऐसा नहीं हो कि पहले दिन पे ही भाग जाए। देखो mom, आज वो खाने पाएगा, right? फिर आप उससे शादी की बात करोगे, फिर मंगनी होगी, फिर उसके बाद शादी होगी। He is not coming here for all this, mama. और आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ऑलरेडी आपका दामाद है। अरे तो एक दिन तो उसे मेरा दामाद बनना ही है ना। भाई अगर मैं उसी जगह पर होता ना तो ये सब देखकर रिवर्स गियर लगाता और कब का यहाँ से रफू चक्कर हो गया था। आप तो ना मामा। चुप बेटा रणवीर, इस सब का चांस तुम्हें कोई नहीं देगा। ना तो कोई तुमसे शादी कराएगा और ना ही कोई तुम्हें डिनर पर बुलाएगा। इनफैक्ट डिनर पर तो क्या, कोई तुम्हें चाय पर भी नहीं बुलाएगा। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा मैम। आई डेफिनेटली स्पीक टू यू, बाय। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो हमारा नया शो लव डॉक्टर कल ही शुरू हुआ और कल से कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। Everybody out there seems to be living with a love sick heart, man. अनन्या, बेटा देर मत करना। I'm really eager to meet him. शायद मैं आज उसे अलग नजरिए से देखूंगी। जल्दी आना, हाँ? Bye. What?
अनदर फीमेल, वही दिल का मामला. इट्स रियली फनी यार, शी इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद हर बॉयफ्रेंड. उसने रो रो के अपनी आंखें सुजा ली. नो स्लीप, नो फूड. दीज गर्ल्स, आई टेल यू, दे आर रियली फनी यार. लोग तुम्हें इसलिए फोन नहीं करते हैं कि तुम उनकी प्रॉब्लम सुनकर उन पर हंसो. उन्हें अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, अपनी परेशानियों का हल चाहिए. एंड दे डू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम. वहां उनका दिल टूट रहा है और यहां तुम उन पर हंस रहे हो. व्हाट हैपेंड? नथिंग. तुम दोनों को सब कुछ पता था ना, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया. दैट हर्ट्स मोर. हम तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे. एंड कम टू थिंक ऑफ इट, यही हमारी गलती है. आई जस्ट कांट बिलीव उदिता एंड दैट अर्णव. एनी प्रॉब्लम? नो सर. समीरा, क्या प्रॉब्लम है? समथिंग पर्सनल सर. तुम्हें नहीं लगता ये सब बातें तुम्हें कैबिन के बंद दरवाजे के अंदर करनी चाहिए, नॉट आउटसाइड के अंदर? प्रॉब्लम? यस सर. थर्टी सेकेंड्स फॉर यू टू गो ऑन एयर अनन्या. प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, उसका असर न तो तुम्हारे चेहरे पे आना चाहिए और न ही तुम्हारी आवाज में. दिस इज द आयरनी ऑफ दिस प्रोफेशन. ऑल द बेस्ट. हेलो मुंबई, दिस इज अनन्या पुरी. आई वॉन्ट टू टॉक टू अबाउट दिस. मैं ये तो नहीं चाहता इस ऑफिस में एवरीवन गोज ओवर द टॉप टू परफॉर्म. नॉट एट ऑल. ये पिछले 3 महीनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है. And I'm sorry to say Arnav, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. You have never been so bad. मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे तुम्हारी पर्सनल लाइफ है. ऐसी बात नहीं है समित. जो कुछ भी है, Arnav, you have set examples for others. अब सोचना ये है कि इस ऑफिस के काम से ज्यादा तुम्हारे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. और ये तुम्हें एक बॉस नहीं, एक दोस्त कह रहा है. मुझे औरों से भी बात करनी है इस बारे में. We need to pull up our socks. देखो अनन्या, हमारे बीच जो कुछ हुआ शायद नहीं होना चाहिए था. शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए. मेरे लिए कमिटमेंट का मतलब था जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो और कोई मेरी लाइफ में नहीं आ सकता. और फिर हम देखते जिंदगी क्या मोड़ लेती. पर कमिटमेंट फॉर यू मेंट लॉन्ग टर्म. उसका मतलब शादी. You thought way ahead. शायद तुम मुझे और मैं तुम्हें समझ नहीं पाए. पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते. At least we can work something out.
समित ने रिपोर्ट भेजी है, इस रिपोर्ट पर तुम्हारा साइन चाहिए था। It was so funny यार। उस बंटी की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। And he called upon the show। वो यहाँ पर भी आया था ना? Yeah, I think so। माफी मांग रहा था तुमसे। So what? कुछ नहीं, he misbehaved with Udita in the club। उससे माफी मांगने आया था और उसका फोन लगा। Udita, nice feelings। Very pretty। किसने दिए? अर्णव, अनन्या को सब पता चल गया। उसे उसे मेरी इयररिंग मिली तुम्हारे हाथ में। आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि रेडियो मस्ती पर आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। हर दुख को मुस्कान में बदलने की दवा है। हाय बेटा। अरे अर्णव कहाँ है? अर्णव कहाँ है? अनन्या, अनन्या क्या हुआ बेटा? कहाँ है अर्णव? अनन्या, मम्मा, आज अर्णव नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? काम है उसे ऑफिस में, कल आएगा क्या? नहीं मम्मा, ना आज ना कल, कभी नहीं। I'm sorry मम्मा, आपने मुझ पर विश्वास किया और मैंने आपके उसी विश्वास को हर कदम पे तोड़ा है। मैंने आपसे झूठ बोला मम्मा, आपसे। I betrayed you मम्मा। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। I'm feeling very ashamed mama। आपकी अनन्या हार गई। मुझे माफ कर दो, मुझे जाना ही होगा। कभी नहीं आएगा। कभी भी आएगा, कभी भी।
क्या है ये? फैमिली प्लानिंग वीक है ना अगले हफ्ते, तो हमारा रेडियो स्टेशन कुछ रोड शोज और कैंपेन करने वाला है, तो ये उसी के लिए है मामा। काम के नाम पे काफी कुछ कर रही हो तुम। अब अगर तुम्हें उस ऑफिस में काम करना है तो पहले तुम उस लड़के को घर बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि तुम वहां जाओगी या नहीं। मॉम, यू नो मी, बाहर से अगर मैं कभी बदल भी जाऊं पर अंदर से अनन्या कभी नहीं बदलेगी। आई एम सॉरी मामा, आपने मुझ पर विश्वास किया और मैंने आपके उसी विश्वास को हर कदम पे तोड़ा है। मैंने आपसे झूठ बोला मामा। जिंदगी अपनी कहानी दोहराती रही और मैं उससे रोक नहीं पाई। मामा, आप पर क्या बीत रही है मुझे पता है। मामा, आपको पता था कि क्या होने वाला है, पर आप होने को रोक नहीं सकी। मामा, हम चाहे जितना जान लें अपने आने वाले दिनों को, पर जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। अनन्या ने भी शायद वही सोचा जो उसे अच्छा लगा, पर वैसा हुआ नहीं मामा। मैं जानती हूँ आप अब भी उससे यही कहना चाहती हैं कि मैंने कहा था ना, पर मामा इस वक्त उसको हमारी जरूरत है। वो टूट चुकी है मामा, वो टूट चुकी है, और अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वो और बिखर जाएगी। She needs us, mom. She needs us.